अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने इनपुट आउटपुट टेबल का पार्ट ई करना है, ठीक है। उस दिन हमने ए बी सी और डी पार्ट किया था, आज हमने पार्ट ई करना है। ये भी उसी तरीके से ही होगा। इनपुट नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ऐड हमने क्या करना है, 100, ठीक है। इनपुट नंबर्स में हमने 100 को ऐड करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे, आउटपुट, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 10 में हमने किसको ऐड करना है, 100 को। 10 में हम 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम देखते हैं। वन हंड्रेड में हमने किसको ऐड करना है, 10 को। 0 का 0 नीचे आ गया, यहाँ पे हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1, तो क्या आया, 110। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 110। इसी तरह 110 में आपने 100 को ऐड करना है, तो आपने देखना है आपके पास आउटपुट नंबर कौन सा आता है। 1110 में आपने 100 को ऐड करना है, तो आपने देखना है कि आपके पास आउटपुट नंबर क्या आएगा। अब हम 11110 में 100 को ऐड करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 11110 में हमने क्या ऐड करना है, 100, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, क्या आ गया, 11210। अब ये हमने यहाँ पे लिखना है, हमारे पास क्या आंसर आया था, 11210, ठीक है। एफ पार्ट में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 100। 1000 में से हमने 100 को क्या कर देना है, माइनस। तो अब हम देखते हैं कि 1000 में हम 100 को माइनस करते हैं, ज़ीरो में से 0, 0, यहाँ पे भी 0 में से 0, ठीक है। यहाँ पे से 0 में से 1 माइनस हो सकता है, नहीं, इसीलिए हम यहाँ से कैरी लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। अब 10 में से हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 9। अब 1000 में से हमने 100 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 900। इस तरह से 1200 में से आपने 100 को माइनस करके देखने क्या आता है, 1300 में से आपने 100 को माइनस करना है तो आपने देखने क्या आउटपुट नंबर आते हैं। फिर 2000 में से आपने 100 को माइनस करके देखना है कि आपके पास आउटपुट नंबर कौन से आते हैं। जी पार्ट अब हमारे पास क्या है, इनपुट नंबर दिए हुए हैं, 1000 हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 5000 में हमने अगर 1000 ऐड किया तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है, 5000 में 1000 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है, 0 0 0। 5 में हम 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो हमने 5000 में 1000 को ऐड किया तो क्या आया आंसर, 6000, ठीक है। इसी तरह 2000 में से आपने 1000 ऐड करना है, फिर 900 में आपने 1000 ऐड करना है, फिर 90 में आपने क्या करना है, 1000 को ऐड करते रहें।
इसके बाद एच टेबल हमारे पास क्या है, इनपुट नंबर दिए हुए, सब्ट्रैक्ट 1000 करने हैं, ठीक है, माइनस करने हैं 1000, 5000 में से हम 1000 को माइनस करेंगे, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है, 5000 में से हम 1000 को माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, तो 5000 में से हमने 1000 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4000, ठीक है। इसी तरह 2200 में से आपने 1000 को माइनस करना है, फिर 1200 में से आपने 1000 को माइनस करना है, फिर 1000 में से आपने 1000 को माइनस करके देखने कि आपके पास आउटपुट नंबर कौन से आते हैं, ठीक है। आज आपने ये सारा काम अपनी बुक्स पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।